जीवन किस तरह से बनाया जाए, जीवन में सफलता किस तरह से प्राप्त की जाए, जीवन में आगे कैसा बढ़ा जाए, जीवन में क्या करें कि हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच पाए, हम हमारी मंजिल तक पहुंच पाए, ये आपके हाथ में है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, हमारा जीवन हमारे हाथ में, उसे और कोई निर्धारित नहीं करता। हम ही हमारे जीवन को बनाते हैं, हम ही हमारे जीवन की तरक्की करते हैं, हम ही हमारे जीवन को सफलता का मार्ग दिखाते हैं और हम ही हमारे जीवन को उच्च कक्षा तक ले जा सकते हैं। ये सारी ताकत हमारे हाथ में है, हमारे भीतर में है। और इसलिए हमारे यहां लिखा गया कि दुनिया में आदमी एक ऐसा प्राणी है जो जो चाहे वो कर सकता। आप यदि ठान लो, आप यदि चाह लो, आप यदि मन से संकल्प कर लो, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें आपके सामने झुक जाएगी। लेकिन उसके पहले हमें चाहना पड़ता है, हमें ठानना पड़ता है, हमें सपना देखना पड़ता है, हमें संकल्प करना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट हमारे हाथ में होता है। आपको शायद पता हो, परसों भारत के राष्ट्रपति के चुनाव हुए और वह चुनाव में विजयी बने एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू। समझना आप उनके जीवन को, यदि हम दुनिया में ठान ले, हम चाह ले, हम संकल्प कर ले, हम ये मन से सोच ले कि हमें ये करना है, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं उनके जीवन को पढ़ रहा था, क्या उतार चढ़ाव उनके जीवन में आए हैं आप सोच नहीं सकते। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, समझ लेना, जीवन आपका सफल हो इसके पीछे तीन चीजें बड़ी जरूरी है। यह तीन चीजों से आपका जीवन सफल हो सकता है, यह तीन चीजों से आपका जीवन सार्थक हो सकता है, यह तीन चीजों से आप जीवन में सफलता हासिल करते हो। और जब भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति जब द्रौपदी मुर्मू का जीवन देखते हैं, तो हमें प्रतीत होता है ये तीन चीजों के ऊपर उन्होंने फोकस किया, ये तीन चीज उनके साथ में जुड़ी, इसीलिए आज वो भारत के राष्ट्रपति बनकर बैठे। तीन चीज में सबसे पहले नंबर में है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ आपको जीवन में सफल बना रहा है। बड़े अच्छे लेखक ने अच्छी बात लिखी है, कहा कि कैसा जन्म होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम कैसे मरेंगे ये तो हमारे हाथ में। हम जितना पुरुषार्थ करें, हम जितनी मेहनत करें, हम जितना एक ऊंचाई पर जाने की कोशिश करें, उसके लिए हमारा तन मन निचोड़ दे, हमारे तन मन को उसके पीछे लगा दे, तब जाके जीवन में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे कैसे नहीं होती। उड़ीसा एक छोटा सा पिछड़ा हुआ स्टेट, उसके भीतर भी एक छोटा सा जिला मयूरभंज और उसके भीतर भी एक छोटा सा गांव, वहां पे ये द्रौपदी जी का जन्म हुआ। आप सोचना जीवन में कहां से कहां पहुंचा जा सकता है, यदि भीतर में संकल्प की भावना हो, हम जीवन को हम चाहे वहां ले जा सकते हैं। नंबर वन, पुरुषार्थ से जीवन बनता है, समझ लेना। और अकेले पुरुषार्थ से नहीं, जो मैं तीन चीजें बताने वाला हूं वो तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारा जीवन बनता है, हम जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। छोटे से गांव में मैं पढ़ रहा था कि जब उनका जन्म हुआ तो शायद छत ढकने के लिए परिवार के पास पैसे नहीं थे, ऐसे आदिवासी घर में उनका जन्म हुआ। लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रहे, उन्होंने मन से ठाना कि मुझे कुछ जीवन में बनना है, मैं आदिवासी कुल में जन्म हुआ, हुआ मेरा, ये मेरा दोष नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही गरीबी में मर जाऊंगी, मैं ऐसे ही निर्धन अवस्था में मर जाऊंगी, मैं जीवन में कुछ कर न पाऊंगी, वो जरूर मेरा दोष है। इसीलिए उन्होंने मन से ठान लिया कि मुझे जीवन में एक उच्च कक्षा तक पहुंचना है, खुद के जीवन का करियर शुरू किया एक टीचर की अवस्था से। समझना, एक टीचर, एक शिक्षक की क्या वैल्यू होती है, ज्ञान की क्या वैल्यू होती है, हम समझ सकते हैं। टीचर बनके खुद के जीवन का करियर शुरू किया और टीचर से यहां तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। पुरुषार्थ करते रहे, लगातार करते रहे, हमेशा करते रहे, जीवन में कभी हारे नहीं, जीवन में कभी थके नहीं, जीवन में कभी निराश नहीं हुए, जीवन में ऐसी ऐसी भी परिस्थितियां खड़ी हुई जहां आदमी टूट जाता है। आपको शायद पता ना हो तो बता दो,
2009 के साल में उनको पता चला कि मेरा बड़ा बेटा ऑफ हो गया है। रात को कहीं मित्रों के साथ बाहर गया था और आया, पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है, वो जीवंत नहीं है। अभी तो उसके सदमे में से बाहर निकले, उसके पहले 2013 में पता चला कि दूसरा बेटा रोड एक्सीडेंट में ऑफ हो गया। समझना आदमी के ऊपर क्या बीतती है। दो बेटे 28-30 साल की छोटी सी उम्र में चल दी है। 2009 में बड़ा बेटा चला गया, 2013 में छोटा बेटा चला गया, और अभी ये दो बेटों के सदमे में से बाहर निकले। 2014 में उनके पति की मृत्यु हो गई, पति को हार्ट अटैक आया, उनकी भी मृत्यु हो गई। 9, 10, 11, 12, 13, 14 करीबन 5-6 साल में ये द्रौपदी जी के ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूटा, मुसीबतों का, इतनी बड़ी तकलीफों का पहाड़ टूटा, लेकिन वो आयरन लेडी है, वो हिली नहीं, वो थकी नहीं, वो हारी नहीं, वो पुरुषार्थ जारी रखा उसने, और इसीलिए आज ये मंजिल तक पहुंच पाए। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, जीवन में यदि आप सफल होना चाहते हो, नंबर 1 पुरुषार्थ, नंबर 2 प्रतिभा, अपने टैलेंट को डेवलप। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारे हाथ में है, हमारा जीवन कैसा बनाना ये हमारे हाथ में, और कोई उसे निर्धारित नहीं कर सकता, और कोई उसे नक्की नहीं कर सकता। हम तय करेंगे हम हमारे जीवन को कैसा बनाएंगे। और उनके भीतर प्रतिभा गजब की थी। 1997 में वो पार्षद बने, समझना उनकी राजनीतिक यात्रा कहां से शुरू हुई और क्या प्रतिभा उनके भीतर रही होगी। पार्षद से शुरू की हुई यात्रा 25 साल में भारत के राष्ट्रपति तक पहुंच गए। झारखंड के गवर्नर थे, राज्यपाल थे, उसके पहले उड़ीसा सरकार में सेंट्रल मिनिस्टर भी थे, केंद्रीय मंत्री भी थे। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं, मंत्री बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, राज्यपाल बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पूरे भारत में देखा जाए तो मंत्री अनेकों है। हर स्टेट में 20-25, 30-40, सेंट्रल में 25-50, 100 मंत्री है। राज्यपाल पूरे भारत में हर राज्य के पास अलग अलग एक एक राज्यपाल है, लेकिन राष्ट्रपति कितने होते हैं? एक। और आप चमत्कार देखिए, पद का प्रभाव क्या होता है। जब वो नामांकन दाखिल करने जा रही थी तो वो नरेंद्र मोदी जी को उनके निवास स्थान पर शुभेच्छा मुलाकात करने गई थी, और जब राष्ट्रपति की चूंटनी, राष्ट्रपति का इलेक्शन उन्होंने जीत लिया, उस दिन शाम को नरेंद्र मोदी द्रौपदी जी के घर पे आए। ये प्रभाव है राष्ट्रपति का, समझना। अपने भीतर रहे हुए टैलेंट को डेवलप करो, आपके भीतर प्रतिभा रही हुई है, वो प्रतिभा को बाहर निकालो। और इसीलिए मैं कहता हूं, समझ लेना, प्रतिभा आदमी को कहां से कहां पहुंचा देती है। और इसीलिए नंबर 1 पुरुषार्थ, पुरुषार्थ से हमारा जीवन बनता है, नंबर 2 प्रतिभा, प्रतिभा से हमारा जीवन बनता है, और नंबर 3 पुण्य, पुण्य से हमारा जीवन बनता है। ये 3 चीजें आपको जीवन में सफल बना देगी, समझ लेना। भारत में हजारों लेडी है जो टॉप पोस्ट पर है, ऐसी भी अनेक है जो पॉलिटिकल लीडर है, ऐसे भी अनेक है जो राज्यपाल है, ऐसे भी अनेक है, लेकिन फिर भी इनका कोई पुण्य जागृत हुआ होगा। भले आदिवासी कुल में उनका जन्म हुआ, लेकिन इनका कोई पुण्य जागृत हुआ होगा, तब जाके सबकी नजर उनके पर ठहरी, सबकी नजर उनके पर पहुंची, वरना शायद हमारा पुण्य नहीं होता। हमारे भीतर टैलेंट गजब का हो, हम पुरुषार्थ गजब का करते हो, लेकिन पुण्य ना हो तो भी कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, हमारे जीवन को बनाने में 3 चीजों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। सबसे पहले नंबर में पुरुषार्थ, पुरुषार्थ में कभी पीछे मत रहो। दूसरे नंबर में
प्रतिभा, अपने टैलेंट को बाहर निकालो, और तीसरे नंबर में पुण्य। जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तब जाके देश को द्रौपदी मुर्मू जैसे राष्ट्रपति मिलते हैं, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। मैं समस्त जैन समाज की ओर से, हमारे हजारों साधु संतों की ओर से उनको बधाइयां देता हूं कि आपने जीवन में जो गोल अचीव किया है, आपने जीवन में जो ऊंचाइयों को हासिल किया है, और हम तो परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, देवगुरु से प्रार्थना करेंगे कि आपके कार्यकाल में भारत और तरक्की करे। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।